हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बनी रेसिपी लेके आई हूं। आज हम बनाने वाले क्रिसमस स्पेशल प्लम केक। अभी क्रिसमस आने वाला है तो इस तरह से हम ये केक बनाएंगे। तो मैं आपको पहले ही बना के दिखा रही हूं ताकि आपके लिए भी ये ईजी हो जाए क्रिसमस में ये टेस्टी टेस्टी प्लम केक बनाना। और हमें बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐड की हूं, अगर आपको ना मिले तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट ये केक बहुत ही टेस्टी बनेगा। इस तरह से देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। देखिए देखने में कितना टाइमिंग लग रहा है ना, और बनाने में भी बहुत मज़ा आ जाएगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं आपको इस तरह से केक को कट करके दिखाती हूँ। अंदर का टेक्सचर आप देखिए, केक कितना स्पॉन्जी केक है, आपको दबाने से समझ में आ रहा है। देखिए कितना स्पॉन्जी है। अब मैं इस तरह से कट करके भी आपको इस तरह से दिखाऊँगी इसका अंदर का टेक्सचर, तो आपको भी देखने में समझ में आ जाएगा। देखिए काटने से आप देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो इस तरह से मैं ये निकालूंगी। अभी थोड़ा सा ये गरम है, हल्का गरम है ये। तो आप देखिए इसमें हमने जो ये केक, इसका आप टेक्सचर देखिए, इसमें टूटी फ्रूटी ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे से दिख रहे हैं और कितना जालीदार ये केक बनकर तैयार हुआ है। देखिए इसमें हमने कोई कोको पाउडर कुछ भी ऐड नहीं किए। इसका आप नेचुरली कलर देखिए, इसमें मैंने शुगर का कैरमल बनाया था, उससे कलर देखिए अब कितना बढ़िया है। मैं आपको कैमरे से पास में दिखा रही हूँ, तो आप इस क्रिसमस में ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स। तो चलिए हम ये टेस्टी टेस्टी प्लम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्लम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैं देखिए थ्री कलर की टूटी फ्रूटी ली हूँ, रेड और ग्रीन और येलो में इस तरह से मिक्स वाले हैं कलर, ये थोड़े से मिक्स हो गए हैं। तो टूटी फ्रूटी हमने मिक्स ले लिए थ्री कलर्स के। और मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने काजू लिए, इस तरह से 3 चम्मच लिए, हमने 10 से 12 काजू को बारीक कट कर लिए थे। और ये हमने 3 से 4 हमने इसमें डेट्स ले लिए थे, इसको भी हम बारीक कट कर लिए। और 2 चम्मच ये किशमिश ले लिए, इसको भी कट कर लिए। इस तरह से मैं ये चेरी ले ली हूँ, 5 to 6 चेरी ले ली थी, इसको भी बारीक कट कर लिए। 10 to 12 आलमंड लिए, इसको भी हम बारीक कट कर लिए। ये हमने ब्लैक वाले किशमिश ले लिए, इसको भी इस तरह से बारीक कट कर लीजिए। और हमने इसमें इस तरह से 3 चम्मच ये क्रैनबेरीज ले लिए, आप चाहें तो इसमें एप्रिकोट ब्लूबेरीज आप इसमें डाल सकते हैं। और अब मैं इसी में इस तरह से ये टॉपिकाना का ऑरेंज जूस लूँगी, ये 20 रुपीज़ वाला इस तरह से आता है, ये हम ले लेंगे। आप चाहे तो इसमें एप्पल का जूस, मिक्स फ्रूट जूस, क्रैनबेरी जूस, आप कोई भी इसमें जूस डाल सकते हैं। अगर आपके पास जूस नहीं है तो आप वार्म मिल्क में इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट को इस तरह से सोक करने के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं एक ये बड़ा सा बाउल लूँगी और अब मैं ये सारी चीज़ें इसमें इस तरह से ये डाल दूंगी। तो ये हम सारा इसमें डाल दे रहे हैं और इसको हम सोक करेंगे। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं और 1 आवर में भी ये सोक हो जाता है, बट मैं इसको 6 to 7 आवर के लिए इसको सोक करने के लिए रखूंगी। तो इसको भी हम सोक कर देते हैं, ये अच्छे से सोक हो जाएगा, उसके बाद मैं इसका केक बनाऊंगी। तो इस तरह से ये हम डाल दिए हैं ये सारी चीज़ें इसमें। अब ये मैं इस तरह से ये कलरफुल टूटी फूटी भी इसमें इस तरह से ये पूरा हम इसमें डाल देते हैं। और अब मैं इसी में ये ऑरेंज जूस डालूंगी। इस तरह से ये 1 कप ये जूस है, इसको हम पूरा इसमें डाल दे रहे हैं और इसको हम इस तरह से ये मिक्स कर लेंगे और इसको हम सोक करने के लिए रखेंगे। तो मैं इसको 7 to 8 आवर के लिए इसको सोक करने के लिए रखूंगी, बढ़िया से सोक भी हो जाएगा। अब मैं इस तरह से इसको कवर कर देती हूँ और इसको हम छोड़ देते हैं। इस तरह का एक पैन चढ़ा ले रहे हैं और इसी में मैं ये डालूंगी ये 1/2 कप ये इस तरह से चीनी है, इसको अभी मेल्ट होने देंगे, इसका हम कैरेमल बनाएंगे। अब इसको धीरे धीरे इस तरह से ये मेल्ट होने देंगे और गैस का फ्लेम को भी हम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम में इसको धीरे धीरे मेल्ट करेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे आप देख सकते हैं ये इस तरह से मेल्ट हो रहा है। तो ये देखिए धीरे धीरे आप देख सकते हैं ये मेल्ट हो रहा है और इसको अभी इस समय हमें बराबर इस तरह से इसको चलाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना, नहीं तो इसका कड़वाहट आ जाएगा। बस इस तरह से हमें इसको मिक्स करना है, जो इसमें शुगर है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, बस इतना ही हमें रखना है।
तो ये देखिए, ये अच्छे से शुगर भी डिज़ोल्व हो गया, इसका कलर भी बढ़िया आ गया। अब मैं इसी में इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालूंगी, एक साथ नहीं डालना है। तो बस इसको डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और डाल देते हैं इस तरह से। तो मैं भी गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज़ था मेरा, तो ये फटाफट हमें ये वाला प्रोसेस फटाफट करना है। बस ये अभी मेल्ट हो जाएगा, बस इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा जम गया था, मुझे ये वाला प्रोसेस जल्दी करना था। चलिए पक गया था ये, तो मुझे थोड़ा सा पानी डालने में देर हो गया, बट आप फटाफट करिएगा। बट कोई बात नहीं, अगर आपका इस तरह से जम जाए तो आप इस तरह से ये पानी डाल के इसको पिघला सकते हैं। तो ये आप देखिए, इस तरह से थोड़ा सा जम गया था। मैं इसको इस तरह से मिक्स करके इसको अच्छे से मेल्ट कर ली हूँ, पर आपको ये वाला प्रोसेस थोड़ा जल्दी करना है। मुझसे थोड़ा सा पानी डालने में लेट हो गया, तो आप इसको जल्दी जल्दी कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा जम जाए तो परेशान मत होइएगा, जब पानी डालेंगे ना तो धीरे धीरे इस तरह से एक मिनट तक और उसको पका लेंगे। तो देखिए आप, ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब बस इसी स्टेज में मैं गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। अब हम चलते हैं आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब मैं इस तरह का एक बड़ा सा बाउल ले लूँगी और उसी में ये डालूँगी, ये 1/4 कप ये ऑयल है, इसको हम डाल ले रहे हैं। मैं ये डालूँगी, ये 1/2 कप मिल्क है। तो इस तरह से हम ये ऑयल के साथ डाल के मिक्स मिल्क को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से इस तरह से एक मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये ऑयल और मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाए। हमें इसके लिए मिल्क भी रूम टेम्परेचर में ही रखना है, रूम टेम्परेचर में, ना ही ठंडा ना ही हमें वार्म मिल्क लेना है, बस वो रूम टेम्परेचर में रहे, बस इतना ही रखना है। तो इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर ले रहे एक मिनट तक। तो ये आप देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये 1/2 कप ये शुगर पाउडर है, इस तरह से ये 1/2 कप डाल देंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा मीठा खाना है, क्योंकि हमने 1/2 कप से ही इस तरह से कैरमल बनाए हैं शुगर का, तो वो भी हम डालें तो आप शुगर टेस्ट के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। तो बस इस तरह से इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये तीनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। इस तरह का मैं एक स्ट्रेनर ले लूँगी और इसमें ये डालूँगी ये मैदा 1 कप, हम 1/2 कप और लेंगे, हम ये टोटल 1.5 कप से बना रहे हैं। तो ये 1/2 कप और डाल दे रहे हैं इसी में हम। और इसमें मैं ये डालूँगी ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, और इसी के साथ डालूँगी 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है। अगर आप सोडा नहीं डालना चाहते तो बेकिंग पाउडर आप 1.5 टीस्पून डाल सकते हैं। और अब मैं इसको इस तरह से छान लूँगी। तो ये देखिए, मैं सारी चीज़ों को छान ली हूँ। अब मैं इसको हटा देती हूँ और इसी में मैं ये डालूँगी, ये जो हमने इस तरह से चीनी का ये कैरमल बना के रखे थे, इसको हम इसमें डाल देते हैं। इस तरह से डाल दे रहे हैं। अब इसको हम मिक्स कर ले रहे हैं इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से डाल के अच्छे से इस तरह से इसको मिक्स कर ले रहे हैं। इसको हम स्पैचुला इस तरह से कर्टन फोल्ड के मेथड से इसको हम मिक्स करेंगे और एक ही डायरेक्शन में इसको हम मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी ये हमने जो जूस में सारे इस तरह से ड्राई फ्रूट और ये सब सोक करने रखे थे, इसको हम डाल दे रहे हैं। अब मैं इस तरह से इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं बैटर भी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है बैटर की भी। अब मैं इसमें और कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ये इस तरह से 1 चम्मच ये इलायची के पाउडर डालूँगी और इसी में इस तरह से ये नटमेग लूँगी और इस तरह से इसको हम थोड़ा सा इस तरह से इसमें ग्रेट करके इसको हम डाल देंगे। इस तरह से हम करीबन 1/4 टीस्पून इस तरह से हम इसमें ग्रेट करके इसको डाल देते हैं। अब इस तरह से इसको भी इस तरह से अच्छे से इसी में हम मिक्स कर ले रहे हैं। इस तरह से पहले इसको हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं, फिर हम इसको केक टिन में इस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको फटाफट से केक टिन में ट्रांसफ़र करती हूँ। अब ये देखिए, ये हमने केक टिन ले लिए, इसमें इस तरह से पेपर लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लिए थे। ये चीज़ मैं पहले से तैयार करके रखी थी। अगर आपके पास इस तरह का बटर पेपर नहीं है तो आप ऑयल लगा के बटर लगा के ग्रीस कर सकते हैं और थोड़ा सा सूखा मैदा से इसको डस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से ये हम ये बैटर डाल देते हैं इसमें। तो बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे,
तो बस इस तरह से मैं इसको डाल दिया, उसको टैप कर लेती हूँ। तो मैं इस तरह से इसको टैप कर ले रही हूँ, इसके अंदर का जो भी एयर बबल्स है वो निकल जाए अच्छे से। इस तरह से मैं टैप कर ली और इसको मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें डाल के गार्निश करूँगी। तो ये थोड़े से ये चॉप्ड आलमंड है, इस तरह से हम ये डाल दे रहे हैं, इस तरह से इसको गार्निश कर ले रहे हैं। और इसी में मैं ये थोड़े से टूटी फ्रूटी ली हूँ, इसमें आधा चम्मच ये मैदा डाल के इसको अच्छे से इस तरह से कोट कर ले रहे हैं। इस तरह से हम ये कोट करेंगे तो ये क्या होगा ना, अंदर जाके ये बैठेगा नहीं। तो इस तरह से हम ये आधा चम्मच इस तरह से मैदा डाल के इसको कोट कर लिए। अब इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से मैं इसको भी थोड़े से डाल के इसको गार्निश कर ले रही हूँ। तो बस इस तरह से डाल दिए। और थोड़े से हम ये किशमिश और ये क्रैनबेरीज है, इसको भी हम इस तरह से एक एक करके इसको डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा सजा ले रहे हैं इसको डाल के। और थोड़े से ये किशमिश भी डाल दे रहे हैं। और थोड़े से इस तरह से ये काजू के टुकड़े हैं, इसको भी हम इस तरह से लगा दे रहे हैं। इस तरह से इसको, इसे बहुत सुंदर दिखेगा। और अब मैं इसको बेक करूँगी। तो मैं पहले से कुकर को चढ़ाई थी प्रीहीट करने के लिए, तो आज मैं ये केक कुकर में बनाने वाली हूँ। तो कुकर को मैं प्रीहीट करने रख दी थी, मैं इसमें स्टैंड नहीं डाली थी। अब मैं इस तरह से स्टैंड डाल देती हूँ और ये हम इसमें इस तरह से केक का टीन डाल देते हैं। इस तरह से मैं ये केक के टीन डालती हूँ, बहुत आराम से डालना है क्योंकि ये कुकर है बहुत गर्म है ये। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। अब मैं इस तरह से इसको कवर कर दे रही हूँ। इसका हम सीटी और रबड़ निकाल लेंगे। तो मैं इसके सीटी और रबड़ निकाल दी हूँ और गैस का फ्लेम को मैं 1 मिनट तक मीडियम रखूँगी। उसके बाद लो फ्लेम में 40 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। इसको खोल के चेक करूँगी कि केक हमारा बेक हुआ या नहीं। अभी ये बहुत गर्म है, इसे हमें आराम से ही इस तरह से ओपन करेंगे। तो ये देखिए केक तो कितना बढ़िया से ये फूल गया है। अब मैं एक टूथपिक लगा के आपको दिखाती हूँ। अब मैं इस तरह से ये टूथपिक लूँगी और इस तरह से इसको इस तरह से पूरा ये डालूँगी और ये चेक करूँगी। तो ये देखिए टूथपिक भी पूरा क्लीन निकल रहा है, केक हमारा परफेक्ट बेक हो गया। अब इसको हम अच्छे से ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो ये देखिए इसको हम निकाल लिए हैं, अब ये ठंडा भी हो गया। अब मैं इसको डीमोल्ड करूँगी। अब मैं इस तरह से ये प्लेट लगा के इसको निकाल लूँगी। तो हमें इसको थोड़ा आराम से करना है, हल्का सा टैप कर देते हैं और इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया निकला है। और आप देखिए इस तरह से मैं बटर पेपर लगाई थी, अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। अब मैं इधर का ये पेपर निकाल ले रही हूँ और इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिए और जो ये साइड में पेपर लगाए थे इसको भी हम इस तरह से अच्छे से निकाल देते हैं इसको। तो ये आप देखिए ये हमारा क्रिसमस का केक बनकर तैयार हो गया। देखिए देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, बनाना बहुत ही इजी है। तो आप भी फटाफट से इस क्रिसमस में ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।